किया है, जितने भी हम लोगों ने पढ़ा है अभी पॉलिटिकल साइंस से, और थोड़ा थोड़ा जेंडर इधर से भी पूछूंगा मैं, ये तो फूटने वाला है क्या, तो थोड़ा ध्यान लगा के पढ़ने, समझ में आया, राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहा है। तो अभी सवाल शुरू करूंगा मैं जीविका छेत्री से, तो पहला सवाल गोज टू जीविका छेत्री यू से, भारत का सबसे पहला राष्ट्रपति कौन? भारत का सबसे पहला द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सो यू कैन से नाउ क्वेश्चन इज दिस, कितने आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जाता है, कितने अनुच्छेद में? 61। वेरी गुड। चलो यू से, कितने आर्टिकल के अंडर राष्ट्रपति को इम्यूनिटी पावर मिलता है? 62। रॉन्ग। कितने आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को इम्यूनिटी पावर मिलता है? 44। रॉन्ग। 361। नाउ यू से, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कितना उम्र होना पड़ेगा? 59। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कितना उम्र होना पड़ेगा? 58। भारत का राष्ट्रपति होने के लिए कितना उम्र होना पड़ेगा? 35 years old। Yes। Now you say, भारत का पहला महिला राष्ट्रपति? द्रौपदी मुर्मू। भारत का पहला महिला राष्ट्रपति? फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट? इंदिरा गांधी। प्रतिभा पटेल। इंदिरा गांधी इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। चलो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन वोट नहीं दे सकते? सर क्यों मालूम नहीं पढ़े छे सर? क्यों नहीं पढ़ा है? अस्ति बदल लिया गो सर, मतलब आम आदमी लोग नहीं दे सकते क्योंकि प्रेसिडेंट तो उधर इलेक्टर कॉलेज से सिलेक्ट होता है। ऐसा उत्तर नहीं होगा वहाँ पर। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन वोट नहीं दे सकता है? नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा, समझ में आएगा नहीं? यस सर। और लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर वोट नहीं दे सकता है, ये पढ़ाया था ना मैंने? यस सर। क्या पढ़ा था? उल्टा पुल्टा पढ़ के आता है। चलो अभी बताओ मुझे, आर्टिकल 18 में क्या के बारे में उल्लेख है? आर्टिकल 18 में क्या के बारे में उल्लेख है? आर्टिकल 18 अनटचेबिलिटी। एवोल्यूशन ऑफ टाइटल। उसके तहत आर्टिकल 18 के तहत कोई टाइटल नहीं होगा, राजा टाइटल नहीं होगा, समझ में आया? चलो आर्टिकल 25 में क्या के बारे में बोला गया है? खाने के बारे में। आर्टिकल 25 सुपरविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। आर्टिकल 25 क्या मान लो? 24। अच्छा आर्टिकल 25 को कौन सा फंडामेंटल राइट में रखा गया है? आर्टिकल 25 को फंडामेंटल राइट कितने प्रकार का होता है? फंडामेंटल राइट कौन दे सकते हैं इसका जवाब? फंडामेंटल राइट चलो कितना है? पहला 7 है, 6 है। अभी कौन सा फंडामेंटल राइट रखा है? चलो अभी बताओ मुझे आर्टिकल 14 में क्या के बारे में उल्लेख? फंडामेंटल राइट कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी फंडामेंटल राइट आर देयर? फंडामेंटल राइट 6। कौन कौन सा है? 6। राइट, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, राइट टू रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तीन तो हुआ सर। तीन तो बता कौन कौन है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी, अंदर सर योगदे, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इनके बताओ, ये लोग का दिमाग एकदम बिल्कुल क्लियर नहीं है। ये आईपीएस है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन,
अन्त राइट टु फ्रीडम अफ रिलिजन राइट टु कसरी भेटिने राइट टु फ्रीडम अफ रिलिजन त दोबारा मलाई भन्दैन म फर्स्ट दिन चलो हो फर्स्ट चलो सो राइट टु इक्वालिटी राइट टु फ्रीडम राइट एगेन्स्ट एक्सप्लोइटेसन राइट टु फ्रीडम अफ रिलिजन चार राइट राइट टु कन्स्टिट्युसन रेमेडी पाँच यसो छवटा भइरहन्छ चलो कोही बात नै अभी थोड़े इधर आते हैं भारत देश में अभी कितने राज्य है 29 कितने सो 28 अच्छा 28 है तो बताओ अभी कौन कौन पूछता हूँ मैं पश्चिम बंगाल में कितना जिले है जिला कोई था बे ना जिला तेईस तेईस जिला है हमारा जिला का नाम क्या है इन विच डिस्ट्रिक्ट वी वेस्ट बंगाल अरे क्या बोल रही हो तू वेस्ट बंगाल तो स्टेट है ना अलीपुर है हमारा जिला कब बना अलीपुर अलीपुर कब बना 2014 गुड अलीपुर कौन सा डेट में बना 2014 सर 25 जून सर 25 जून देखो ये स्मार्ट लड़का ही चलो अब बताओ मुझे पंजाब का राजधानी नाम क्या है पंजाब कैपिटल ऑफ पंजाब चंडीगढ़ गुड कैपिटल ऑफ चंडीगढ़ हरियाणा पंजाब कैपिटल ऑफ चंडीगढ़ ये मतलब ये चंडीगढ़ नहीं हुई कैपिटल नवीन क्या बट रहा है नयू से नीति का फुल फॉर्म क्या है नीति नेशनल नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया भारत का प्रधानमंत्री कौन है भारत का प्रधानमंत्री कौन है नरेंद्र मोदी भारत का राष्ट्रपति कौन है क्यों नहीं सर राष्ट्रपति हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मोदी नरेंद्र मोदी द्रौपदी मुर्मू ओके ना यू से हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोई था बोले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हु कैन से ओके सर धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ यस दैट्स ग्रेट हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी ममता बनर्जी फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल फर्स्ट सीएम सर सफाचन सर सर हु इज द सीएम ऑफ यूपी सीएम ऑफ यूपी योगीनाथ आदित्य योगीनाथ कैपिटल का नाम क्या है यूपी का कैपिटल ऑफ यूपी सॉरी सर लखनऊ ग्रेट एंड नाउ यू से मध्य प्रदेश का राजधानी नाम क्या है इम्फाल मध्य प्रदेश भोपाल गुजरात का राजधानी गुजरात का गांधीनगर राजस्थान का राजधानी कैपिटल ऑफ राजस्थान कैपिटल ऑफ राजस्थान राजस्थान कैपिटल ऑफ राजस्थान कैपिटल ऑफ ओके से कैपिटल ऑफ राजस्थान ओ यू जयपुर यस चलो नाउ यू से दिस उड़ीसा का राजधानी उड़ीसा को भुवनेश्वर ये छत्तीसगढ़ राजधानी चंडी छत्तीसगढ़ का राजधानी तेलंगाना छत्तीसगढ़ का राजधानी यू से रांची छत्तीसगढ़ का राजधानी मुकेन से रायपुर यस शिलोंग है किसने बोला शिलोंग मेघालय शिलोंग तो खुद एक स्टेट है के राजधानी मेघालय का राजधानी क्या है क्या है मेघालय का राजधानी कोई माँ कहाँ है कोमिता नागालैंड का है मेघालय का राजधानी कहा मध्य प्रदेश बोल रहे उधर मेघालय का राजधानी देखो मेघालय का राजधानी शिलांग है इसने सही बोला लेकिन कॉन्फिडेंट नहीं है ये
एनबिडन कहाँ है, एनबिडन होना पड़ेगा ना। तो देखो अभी बता, ये देखो इसकी ये बताएगा, त्रिपुरा का राजा नाम क्या है, अगरतला देगा, मिजोरम का राजा नाम क्या है, मिजोरम का जबल देगा, इसको बोलते हैं पढ़ाई। अभी बताओ झारखंड का राजा नाम क्या है, झारखंड का राजा नाम, झारखंड का राजा रांची, रांची बिहार का राजा नाम पटना, पटना। हिस्ट्री से पूछता हूँ मैं, बाबर के बेटा का नाम क्या है, बाबर के बेटा अकबर, हुमायूं के बेटा नाम क्या है, अकबर, अकबर के बेटा नाम क्या है, जहांगीर, जहांगीर के बेटा नाम क्या है, जहांगीर के बेटा का नाम क्या है, क्या बोला, शाहजहां, शाहजहां, ताजमहल किसने बनाया, शाहजहां, किसने डिजाइन दिया, ताजमहल बनाने का डिजाइन किसने दिया, नाम इस्माइल, इस्माइल खान, इस्माइल खान। ताजमहल किस साल बनाया गया, 1631। देखो इसको बोलता है पढ़ाई। चलो बोलो घाघरा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ, सर बैटल ऑफ घाघरा, बैटल ऑफ घाघरा सर बाबर वर्सेस अफगान, अब बताओ मुझे अफगान, ये सब अफगान लिखा नहीं, घाघरा का युद्ध अफगान कहाँ लिखा है मैंने, IRMM। चलो पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का, पानीपत का द्वितीय युद्ध नहीं सकता है तो, देखो नहीं सकता है तो कोई बात नहीं, समझ में आया, तो अभी जितना भी सुना ये हेल्प करेगा, लेकिन तुम लोगों को करने पड़ना पड़ेगा, अभी देखो ये आंसर बताएगा मुझे, सॉरी सर, सिंपल सिंपल, पानीपत का प्रथम युद्ध, सॉरी सर, सॉरी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट फर्स्ट कहिले भएको, 1526, किस किस के बीच में हुआ, इब्राहिम लोधी र उयो बाबर, सेकंड सेकंड थे मतलब मुगल के उयो उयो सिद्ध भएको, किस कौन किस साल, 15 हेमु विक्रमादित्य वर्सेस बैराम खान, ये हेमु कौन था, हेमु सर, हेमु बैराम खान कौन था, बैराम खान सर ट्यूटर ऑफ अकबर, अकबर क्यों नहीं लड़ा उस वक्त सर, क्योंकि वो छोटा था इसलिए, कितना साल का था, 13, इसको बोलना पड़ेगा। चलो आप बोलो मुझे, पानीपत का तृतीय युद्ध, फर्स्ट, द्वितीय, थर्ड, 1761, किस किस बीच में हुआ, ताजन थे सर, हाँ होना पड़ेगा, पड़ेगा सर, वही क्वेश्चन पूछ रहे, बैटल ऑफ चौसा, चौसा 1528, बैटल ऑफ चौसा 1528, बैटल ऑफ चौसा, चौसा का युद्ध किस, 1529, चौसा का युद्ध किसके बीच में, देखो यहाँ पूर्व, 1539, इसको बोलता है किसके बीच में, किंग्स बीच में, बैटल ऑफ चौसा, एमओ सर सर, हुमायूं, हुमायूं वर्सेस शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी का ओरिजिनल नाम, शेरशाह सूरी का फरीद खान, फरीद खान। जीटी रोड किसने बनाया, जीटी रोड चंद्रगुप्ता मौर्य ने बनाया, हाँ। तो बात ऐसा है, हम लोगों ने सब कुछ नोट सोर्स पढ़ लिया है, कुछ कुछ लोग यहाँ पर जिसने आंसर नहीं दिया क्योंकि वो लोग थोड़ा बिजी था, आप एग्जाम से एग्जाम किया है।